हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मंदिर और मम्मी घर पे आई हुई है, तो मैंने सोचा आज मंदिर जाते हैं और मानवीत को अपनी यहीं छोड़ के जाएंगे हम। ये बैठा हूँ मुझे देख रहा है, तो हम आपको नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? हम अकेले अकेले मंदिर लेके जाएंगे। तो आज मंदिर वाला व्लॉग होने वाला है, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर जगह पे है वो मंदिर और बहुत प्यारा रास्ता है, तो वो सब आज मैं आपको दिखाऊंगी। ये देख रहा, मैं किससे बात कर रही एक बार फोन की साइड देख रहा है, एक बार मेरी साइड देख रहा है। मम्मी किससे बात कर रही है? ये दिखाती रहा है। तो ये बैठा है मेरा प्यारा सा मानविक, इसे हमने प्यारी सी क्यूट सी ये पहनाई हुई है कैप, जिसमें से ठंड ना लगे। विदु विदु। किसे मुस्कुरा रहा है? बेबी, ये रहा मेरा प्यारा सा बेबी। इसे हमने नीला धुला के बिठा दिया है और इसने पहन रखे हैं सेंटा वाले कपड़े। नहीं रोना नहीं बेटा, ओए गुस्सा करेगा मामा के ऊपर, गुस्सा कर देगा। हाँ गुस्सा कर देगा का मामा के ऊपर? नहीं 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 नहीं, मेरा प्यारा बेबी, प्यारा बेबी। सबने प्यारी सी कैप पहनाई हुई है प्यारा बेबी को, ठंडी बहुत हो रही है बाहर इसलिए। क्या कर रहा है ये? चलो ठीक है, मामा जा रही है, ठीक है, बाय 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 बाय। लग रहा है इस कैप में, बाय बाय बाय। इसे सिंपल वाली कैप पहनाओ तो निकाल देता है, इसलिए हमने ये पहना रखी, इसे निकाल नहीं पाता ये, तो ये वाली सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, इसकी पहली ठंड है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है इसका इसलिए। और ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा बेबी मानविक, मानविक नहीं, ये इसके साथ खेलता है, ये दे दे इसे, ये इसके साथ खेलता है। हाँ इसे पकड़ा दे, इसी के साथ खेलता रहेगा। ठीक है चलो बेटा हम जा रहे हैं, बाय बाय। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं काली माँ के मंदिर, यहाँ से प्रसाद मिलता है। सामने चीला का ये रास्ता है, बहुत खूबसूरत है। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर की साइड, यहाँ से है चंडी माता का रास्ता, और यहाँ पे काफ़ी लोग चंडी देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। और इस रोड में वैसे भीड़ कम रहती है, पर आज ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, और न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आज बहुत लोग आए हैं। और ये हम एंटर कर रहे हैं काली माँ के मंदिर में, और ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल फ्लावर हैं यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ये, आप देख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, बहुत कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था ये पूरा नज़ारा। और इस तरह से मैं पूरा आपको दिखाऊंगी यहाँ से एंटर करते ही, बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब मैं शब्दों में बता नहीं सकती कितना ज़्यादा ये प्यारा लग रहा था, ये आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा। और ये जो है फ्लावर, ये गेंदे के फूल हैं यहाँ पे, और अलग अलग कलर में यूज़ किए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अब ये मेन मंदिर में हम आते हैं, यहाँ भी पूरे में, मतलब पूरा ही बहुत बड़ा मंदिर है ये, पूरा ही मंदिर फ्लावर से डेकोरेशन कर रखी थी पूरे मंदिर में। तो ये देखो आप, ये ग्रीन कलर के यहाँ पे पैरेट इन्होंने लटकाए हुए हैं, ये तो खैर आर्टिफिशियल है, पर बहुत प्यारे लग रहे थे। और जो आपको लीव्स दिख रही है ना, ये ओरिजिनल है। यहाँ पे अब हम मेन मंदिर में आ गए हैं, सबसे पहले हमने माता जी के दर्शन किए, और यहाँ पे दर्शन करने के बाद ये देखो, ये मेन जो डेकोरेशन है ना, यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा था ना, ये बहुत बहुत सुंदर लगा है, सब फ्लावर से इसे डेकोरेट किया हुआ है। तो माँ के दर्शन किए हमने, और उसके साथ ही यहाँ पे मैं आपको दोबारा से अच्छे से दिखा देती हूँ, तो मुझे नहीं आना चाहिए थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो अपनी भी बना दी। और साथ में यहाँ पे हो रहा था भंडारा, तो हमने भंडारा का प्रसाद खाया और बहुत टेस्टी था। देखो आप भीड़ देख सकते हो, बहुत सारी भीड़ थी, बहुत लोग आए हुए थे, और बहुत मज़ा आया, तो बहुत ही टेस्टी था। और ये मैंने प्रसाद लिया, थोड़ा थोड़ा ही लिया, बचाना नहीं चाहिए इसलिए। और खीर
थी लास्ट में आई तो खीर, इसलिए मैंने नहीं दिखाई उसमें। तो अब हम यहाँ से निकलने के लिए बाहर आए, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे अच्छे से वीडियो वगैरह शूट कर लेते हैं, एक दो फ़ोटो क्लिक की, ज़्यादा नहीं की क्योंकि काफ़ी लोग थे तो सभी फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने नहीं बोला क्योंकि ढोल भी बज रहे थे और बहुत ज़्यादा शोर था तो मेरी आवाज़ बहुत कम आती, इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर कर देती हूँ, थोड़ी सी अपनी शक्ल भी देती हूँ वीडियो में, दिखाना चाहिए थोड़ा। तो बस ये है, डेकोरेशन बहुत प्यारी है, बहुत मज़ा आया, बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ। और न्यू ईयर है तो नए साल की शुरुआत मंदिर जाने से ही करनी चाहिए, और आप सबको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं न्यू ईयर के लिए, और खुश रहिए और हेल्दी रहिए। और बस ये देखिए और मेरे व्लॉग देखते रहिए, ठीक है। और अब हम बाहर जाएंगे और बाहर से यहाँ ये चीला का रास्ता है और सामने आप देख सकते हो यहाँ पे, और इस टाइम पे काफ़ी भीड़ हो गई है चंडी देवी के दर्शन के लिए, काफ़ी लोग आए हुए हैं। और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं तो ये मेन रोड है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ तो फिर भी उतनी नहीं है, आगे की साइड तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी, ये रहा चंडी देवी, तो हाथ जोड़ लेना सब लोग। और बस अब हम घर के लिए निकलते हैं, और ये हमारे देश का झंडा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था तो मैंने वैसे भी शूट करते हैं। और ये घर का रास्ता, हम आ गए हैं घर पर और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है अभी, और ठंड ठंडी हवाएं चल रही है। जब हम गए थे तब तो फिर भी थोड़ी बहुत धूप थी, तो अभी मैं अपने इश बाबू को लेके बैठी हुई हूँ गोद में, ये मेरा प्यारा ईशा बेबी। और मैंने मम्मी को बुलाया है घर पे 2-3 दिन के लिए ताकि मैं स्टिचिंग का काम कर सकूं, और ये मेरे से चिपका रहता है, मुझे कोई काम नहीं करने देता, ऐसे बंदर नहीं चिपका रहता अपने मम्मी से, तो बिल्कुल ऐसे चिपका रहता है, और थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ती हूँ ना तो रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, तो मुझे कोई काम नहीं करने देता। बहुत टाइम हो गया है मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, और स्टिचिंग की वीडियो में बहुत टाइम लगता है, और इतना टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रही हूँ चाह के भी, और काफ़ी महीने हो गए मैंने बिल्कुल काम नहीं किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप 1-2 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ ताकि आप इसे संभालो और फिर मैं अपना काम कर पाऊँ। तो ये रहा मेरा छोटा सा बंदरू, ऐ बंदरू, ऐ बंदरू, ऐ छोटे से बंदरू, कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है मेरे बंदरू। यहाँ पे हीटर चलाया हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इसलिए रोशनी थोड़ी अलग अलग सी हो रही है यहाँ पे, हाँ फिर भी ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए हमने हीटर चलाया हुआ है ताकि हमारे बेबी को ठंड ना लगे। और यहाँ से वो रोशनी आ रही है अभी, और ये रहा मेरा प्यारा से सोना से बुदू, मेरा कृष्णा है, ये मेरा योना जी कृष्णा, हमने इसको वन की कैप पहनाई हुई है ताकि इसको ठंडी ना लग जाए, बिकू भी ठंडी नहीं लगनी चाहिए। बंदरू है तू, मेरे से चिपका रहता है बंदर की तरह, हाँ। तो हमने वहां पे बहुत सारा प्रसाद खाया, भंडारा खाया, और वैसे तो वहां पे हर सैटरडे में होता है पर मैं पहली बार गई हूँ सैटरडे में, हम ट्यूसडे में ज़्यादातर जाते हैं क्योंकि ट्यूसडे को ही टाइम मिल पाता है, तो हम ट्यूसडे को गए हैं और मैं पहली बार गई थी सैटरडे में। तो प्रसाद खाया हमने वहाँ पे, भंडारा था, मुझे भंडारा पाना बहुत ज़्यादा पसंद है पर बेबी के साथ नहीं जा पाती मैं कहीं भी, और क्योंकि घर पे भी मेरी बहन रुकी थी इसलिए मैं चले गई थी, और बहुत मज़ा आया और बहुत टेस्टी बना रखा था। सभी हम यहाँ पे बैठे हैं और गर्माहट ले रहे हैं, और बस फटाफट से अब हम चाय पानी कुछ पियेंगे क्योंकि बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और अपने बेबी को भी हम डूडू डूडू पिलाएंगे। कहाँ देख रहा है शोना, वही देख रहा है, मम्मी को देख रहा है, मम्मी को, नानी को देख रहा है, ये अपनी नानी को, इसकी नानी आई भी अपनी नानी के साथ खेलेगा, और मैं आराम से चैन की सांस लूंगी और बहुत सारा काम करूंगी, बहुत सारा काम करना है मुझे, मुझे कुछ नहीं करने देता है, मैं केवल पकड़े जैसे बैठी रहती हूँ इसके पास, और ये चीखते चिल्लाता रहता है, अगर इधर उधर मैं जरा सा भी कहीं जाऊँ तो बस इसकी चिक्खी निकलती है, तो इसलिए मुझे इसके पास ही बैठे रहना पड़ता है, इस बुंदरू के पास ऐसे चिपक चिपक के हम दोनों बैठे रहते हैं, बस पूरा दिन इसके साथ खेलते रहो, इसका शुशु पोटी साफ करते रहो बस, और शुश भी नहीं करने देता है मेरे को, और शुश भी नहीं करने देता है ना, नानी को देख रहा है अभी अपनी, मेरा प्यारा बच्चा, ये मेरा प्यारा बच्चा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बस चलो बाय बाय कर दो सोना, ओए मुंह तो बंद हो रहा, देख मुंह बंद हो रहा इसका,
ओ ये क्या हो गया रे, ये क्या हो गया रे। अब ठीक है बाहर बेटा, बहुत ही ठंडी हो रही है इसलिए आपको ऐसे पहना दिया हमने। हाँ इसे कैप पहना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है इसको कैप पहनना। ये देखो इसके स्प्रिंग लगे हुए, स्प्रिंग। और इसे खड़ा होना बहुत पसंद है, बच्चों को ज्यादा देर खड़ा नहीं करते पर इसे खड़ा होना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है इसको खड़ा होना। फिर हो गया इसके मुंह पे, ये ठीक से नहीं है भाई। हाँ बेटा आओ, लाओ तो लाओ तो लाओ तो इसको ऐसे कर देंगे ऐसे ऐसे बस। अरे खुद ही तो कर दिया इसने। चलो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बाय।